आज के आनंद की है। द्वारकाधीश की जय हो, श्री वल्लभाधीश की जय हो, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो, श्री वीरेश कुमार जी महाराज की जय हो, श्री भागेश कुमार जी महाराज की जय हो। इस मंदिर में आप पधारे हैं मंगला के समय। ये मंदिर करीब 225 वर्ष पुराना है। इसको गोकुलदास जी पारे ग्वालियर के जो दीवान थे उन्होंने बनाया था, और ठाकुर जी जो हैं भगवान कृष्ण के समय के हैं, जो उनकी सतनामा नाम की पटरानी की सेवा करती थी। ब्रज में कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण पड़ा उस समय भगवान ने ये स्वरूप ब्रजवासियों को प्रदान किया। सबके ब्रजवर रहा, फिर उस कालांतर में ग्वालियर चला गया। ग्वालियर के पश्चात फिर यहाँ ये सपन हुआ पारिक जी को, तो वो उसको धन दौलत के साथ में दौलत राज सिद्धिया के ज़माने में यहाँ लेके आए। पहले वृंदावन में मथुरा में रहे, उसके पश्चात ये मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर के निर्माण में करीब 50 वर्ष लगे। उसके पश्चात ये कुछ दिनों मर्यादा में सेवा रही। तत्पश्चात सेठ हवेली और द्वारका पारिक जी ने अपने गुरु गिरधरलाल जी महाराज को एक भेंट समर्पित किया, और तब से वैष्णवकालीन पुष्ट मार्गीय सेवा में संचालित है। इसमें नाना प्रकार के जन्माष्टमी, श्रृंगार और हिंडोले वगैरह के दर्शन होते हैं। मंगला में हजारों लाखों आदमियों की भीड़ रहती है। सभी मनोरथ भक्तों के सहयोग और भक्तों के महाराज जी की आज्ञा अनुसार, श्री ब्रजेश कुमार की आज्ञा अनुसार संचालित होते हैं। सबके लिए जय श्री कृष्ण।